क्रिकेट 22 डिले हो गया भाई लोग, जानिए इधर सारी डिटेल्स। हेलो एंड वेलकम टू मुनार्क इस गेमिंग, मैं हूं मुनार्क। तो बिग एंड ने आज एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि क्रिकेट 22 हैज बीन डिलेड बाय अ वीक। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जो आजकल तनाव चल रहा है टिम पेन की वजह से गेम हैज बीन डिलेड बाय अ वीक। ऐसा बिग एंड ने नहीं बोला है, बट बिग एंड बोल रहा है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से गेम डिले करना पड़ रहा है। तो भाई लोग सब मिलके टिम पेन को गालियां दीजिए नीचे कॉमेंट्स में। बट यस, डिसअपॉइंटिंग न्यूज, बट उसका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं हम। बिग एंड ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी। हेलो क्रिकेट फैंस, वी नो यू आर एक्साइटेड टू गेट योर हैंड्स ऑन क्रिकेट 22, द ऑफिशियल गेम ऑफ एशेज। वी आर एवरी बिट एज कीन टू गेट द गेम टू यू एज द टीम हैज बीन वर्किंग इनक्रेडिबली हार्ड टू मेक व्हाट वी बिलीव इज आवर ग्रेटेस्ट टाइटल येट। अनफॉर्चुनेटली फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैव मेंट दैट वी नीड टू अपडेट द गेम्स कवर आर्ट, अदर विजुअल टीम लिस्ट। There was a critical day one patch that players will need to enjoy the full Cricket 22 experience that has consequently need to be revoked. The new patch won't be ready to release until December 2. So December 2 ko ab release hoga game. As a result, we have made the difficult decision to delay the game's release by a week on all platforms, both physical and digital. So physically bhi aap game nahi khel payenge, digital game hai to bhi aap nahi khel payenge. This is the first time Big End Studios have ever had to delay a game release. But we find in an unprecedented situation. मतलब वो तो fact है। मतलब everyone at Big End Studios would like to thank our fans, supporters for understanding our need to do this, ensuring the game is full and authentic a cricket experience as possible. We will update you with further details soon. In the meantime, circle December 2 on your calendar. We can't wait to see you out there on the field. Ross Simmons, CEO, and the Big End team. So basically, 2 तारीख तक game delay हो गया December 2, which is ठीक है, एक हफ्ता और रुक लेंगे यार, बट क्या ही करेंगे अब। मेरे हिसाब से इन लोग को पूरा कवर आर्ट अभी चेंज करना होगा सारी फिजिकल कॉपीज का, तो सारी गेम्स वापस आएगी, फिर नया कवर आर्ट लगेगा। आई थिंक पैट कमिंस आ जाएगा टिम पेन की जगह पे, और डिजिटली में भी तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपडेट करना पड़ेगा। प्लस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उनको गो अहेड चाहिए होगा, नई टीम ओके है या नहीं है, और टिम पेन का रिलेटेड सारा जो भी होगा गेम से वो हटाना पड़ेगा। सो वो सब करने में टाइम तो जाएगा, हफ्ता भर तो लग ही जाएगा कम से कम। हफ्ते भर में ये लोग कर लेंगे तो गनीमत है, मेरे हिसाब से तो थोड़ा और टाइम लग जाता है ये सब करने में, बट फेयर इनफ। तो ये डिसअपॉइंटिंग न्यूज है भाई लोग, तो खैर कोई बात नहीं, लेट्स सी आगे क्या होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स आउट द चैनल। ये वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं अगले वाले में, बाय।